साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे कतल दे विच सजा भुगत रहे जगतार सिंह हवारा नूं हुण दिल्ली दी तिहाड़ जेल दे विचों कदे भी पंजाब जां चंडीगढ़ दी जेल दे विच भेजा जा सकदा है, पर इस दे नाल ही पंजाब सरकार दी हालत भी पतली हो सकती है क्योंकि जगतार सिंह हवारा दे आउण दे नाल गर्म ख्याली दलां नूं चंगा बल मिल सकता है जो कि पंजाब सरकार लई सियासत दे तौर ते खतरे वजों देखा जा रहा है। सरबत खालसा वालों नामजद अकाल तख्त के जथेदार बब्बर खालसा इंटरनेशनल जथेबंदी के मुखी भाई जगतार सिंह हवारा नूं दिल्ली तो पंजाब जेल में तब्दील करने की तैयारी हो रही है। उन्होंने खिलाफ दिल्ली में चलते 29 केसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्होंने पंजाब चलते केसों के मद्देनज़र सूबे की किसी भी जेल च तब्दील करने लिए कहा है। देखो पहली गल तो क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, जेकर शिफ्टिंग जेल टू जेल शिफ्टिंग है वह भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जेकर बनती हुई तो जरूर होगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो अगे भी जो भी कार्रवाई होनी है कानून के तहत ही होनी है। तो श्रोमणी अकाली दल का जे एक पार्टी के तौर पर कहीए तो मेरे ख्याल ना ही कोई रोल है तो ना ही रोल होना चाहिए, क्योंकि कानून दी गल्लां दे विच पार्टियां नूं नहीं आना चाहिए। जेकर वो ट्रांसफर होनी है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, चाहे सरकार भी होवे भावें, तो कानून ने अपना काम करना है। पहला भाई जगतार सिंह हवारा चंडीगढ़ की तिहाड़ जेल में बंद सन, पर हुण उत्थे भी उन्हां खिलाफ़ कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ की बजाय पंजाब विच नाभा, लुधियाणा जां जलंधर की जेल में तब्दील किया जा सकता है। देखो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जेल तो जेल है, वह चाहे तिहाड़ जेल होवे, चाहे काले पानी होवे, ते चाहे पंजाब की जेल होवे। जो कोई भी बंदा एक जेल दे विच है तो वह एक कैदी के तौर पर जो अंदर है तो बाहर की हो रहा है उहदे नाल जो हालात हुण ने, जेकर उह भावें तिहाड़ जेल च वी ने हवारा जी तां वी जिन्ना कु रौला पैणा उह पई जांदा है, ते जेकर पंजाब दी जेल च वी आंदा है तां मेरे ख्याल च कोई इह नहीं कि उहनां नूं कोई सौखे तरीके नाल अप्रोच कर सकदा है, उहनां दी रिहाई सौखी हो जूगी जेकर पंजाब, क्योंकि कानून तां सारिआं वास्ते बराबर है। जे तिहाड़ जेल तों रिहाई नहीं हो सकदी तां पंजाब दी जेल तों वी जे रिहाई होणी है तां इक कानूनी प्रक्रिया दे तहत होणी है। तां मैनूं नहीं लगदा कि जेकर उह इत्थे उहनां दी शिफ्टिंग हुंदी वी है तां उहदे नाल कोई जिहड़ी हवा तुसी गल करते हो कि गर्म हवावां दी गल है या होर है, क्योंकि उहदे च बहुता फर्क पैणा, क्योंकि कानून दे मुताबिक ही सारा कुछ चलना है। उधर खबर यह भी है कि पंजाब दी अकाली भाजपा सरकार भाई हवारा नूं पंजाब दी जेल विच तब्दील करवाउण तों कन्नी कतरा रही है, क्योंकि सरकार नूं डर है कि इस नाल गर्म ख्याली जथेबंदियां नूं बल मिलेगा अते उहनां दी रिहाई दी मंग भी भक सकदी है। भाई हवारा नूं इक वर्ग अकाल तख्त दा जथेदार मन्नदा है अते उहनां नूं पंजाब दे आउण विच पंथक सियासत विच गर्मी आ सकदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब टीवी। कोई यह नहीं कि उन्होंने कोई सौखे तरीके नाल अप्रोच कर सकता है, उन्होंने रिहाई सौखी हो जूगी जेकर पंजाब, क्योंकि कानून तो सारे वास्ते बराबर है। जे तिहाड़ जेल तो रिहाई नहीं हो सकती तो पंजाब की जेल तो भी जे रिहाई होनी है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी है। तो मैनू नहीं लगता कि जेकर वह इत्थे उन्हों की शिफ्टिंग हुंदी भी है तो उहदे नाल कोई जिहड़ी हवा तुसी गल करते हो कि गर्म हवावां की गल है या होर है, क्योंकि उहदे च बहुता फर्क पैणा, क्योंकि कानून के मुताबिक ही सारा कुछ चलना है। उधर खबर यह भी है कि पंजाब की अकाली केस पेंडिंग नहीं है, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ की बजाय पंजाब विच नाभा, लुधियाणा जां जलंधर की जेल विच तब्दील किया जा सकता है। देखो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि जेल तो जेल है, वह चाहे तिहाड़ जेल होवे, चाहे काले पानी होवे, ते चाहे पंजाब की जेल होवे। जो कोई भी बंदा एक जेल दे विच है तो वह एक कैदी के तौर पर जो अंदर है तो बाहर की हो रहा है उहदे नाल जो हालात हुण ने, जेकर वह भावें तिहाड़ जेल च वी ने हवारा जी तो भी जिन्ना कु रौला पैणा वह पई जांदा है, ते जेकर पंजाब दी जेल च वी आंदा है तो मेरे ख्याल च कोई नामजद अकाल तख्त दे जथेदार बब्बर खालसा इंटरनेशनल जथेबंदी दे मुखी भाई जगतार सिंह हवारा नूं दिल्ली तो पंजाब जेल विच तब्दील करन दी तैयारी हो रही है। उन्हां खिलाफ़ दिल्ली विच चलदे 29 केसां दी सुनवाई पूरी हो चुकी है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्होंने पंजाब विच चलते केसों के मद्देनज़र सूबे की किसी भी जेल च तब्दील करने लिए कहा है। देखो पहली गल तो क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, जेकर शिफ्टिंग जेल टू जेल शिफ्टिंग है वह भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जेकर बनती हुई तो जरूर होगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो अगे भी जो भी कार्रवाई होनी है कानून के तहत ही होनी है। तो
श्रोमणी अकाली दल का जो एक पार्टी के तौर पर कहिए मेरे ख्याल ना ही कोई रोल है तो ना ही रोल होना चाहिए क्योंकि कानून दी गल्लां दे विच पार्टियां नहीं आना चाहिए। जेकर वो ट्रांसफर होनी है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता चाहे सरकार भी होवे भावें तो कानून ने अपना काम करना है। पहला भाई जगतार सिंह हवारा चंडीगढ़ की तिहाड़ जेल में बंद सन पर हुण उत्थे भी उन्हां खिलाफ कोई सबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे कतल दे विच सज़ा भुगत रहे जगतार सिंह हवारा नूं हुण दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विचों कदे भी पंजाब जां चंडीगढ़ की जेल दे विच भेजा जा सकता है पर इस दे नाल ही पंजाब सरकार की हालत भी पतली हो सकती है क्योंकि जगतार सिंह हवारा दे आउण दे नाल गर्म ख्याली दलां नूं चंगा बल मिल सकता है जो कि पंजाब सरकार लई सियासत दे तौर ते खतरे वजों देखा जा रहा है। सरबत खालसा।